नमस्कार, समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे चैनल ने, आपके चैनल ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही 200 प्लस व्यूज तथा 100 के आसपास सब्सक्राइब किया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। मुझे जैसा आशा था, जैसे मैं सोच रहा था, ठीक वैसे ही हुआ। आशा करता हूँ कि और भी अच्छा होगा। साथियों, यह आपका चैनल है, इसलिए आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है कि आप लोग इसे बहुत तेजी से दूसरे तक शेयर करें, ताकि हर लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसलिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करते रहें, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था, कल के जो क्लास हमने लिया, उसमें कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं क्लियरिटी का, लेकिन आज हमने शायद उसे सॉल्व कर लिया है। आप लोग जो भी समस्या आपको लगता है कि इसे करना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट्स करें। दोस्तों, कल हमने मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स के गुण के बारे में पढ़ा था, आज हम आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयरन ओर क्या होता है। आयरन को लोहा बोलते हैं, ओर को अयस्क बोलते हैं। आयरन ओर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आयरन ओर होता क्या है। आयरन ओर खनिज तत्व है, जो आयरन का अयस्क है, जिसे हम धरती के नीचे से खोद कर निकालते हैं। आप इस बोर्ड को देखिए, आपको दिख रहा होगा आयरन ओर लिखा हुआ। आयरन मतलब होता है लोहा और ओर मतलब होता है अयस्क, लोहा का अयस्क। तो इसे हम जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं। उसमें बहुत सारा अशुद्धियां पाया जाता है। आयरन ओर में सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां जो है, धूल मिट्टी कण तो होगा ही, इसके अतिरिक्त अयस्क के साथ साथ सल्फर, मैंगनीज, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये सारे चीज भी आपको मिलेंगे। ये सब अशुद्धियां है। इसके साथ साथ इसमें कार्बन की मात्रा भी काफी पाया जाता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसके कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। तो इसके कुछ प्रकार जो आपको यहाँ दिख रहा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमोराइट, साइराइट, पायराइट और क्ले आयरन स्टोन, इन सब के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा। जैसे कि आप पहले नंबर पे जो देख रहे हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोराइट, साइराइट, पायराइट और क्ले आयरन स्टोन, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है साथियों, इसलिए हमने इसके कोड निकाला है। बहुत आसान है, जो हिंदी जानते हैं उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा, लघुत्तम समावर्तक, ये शायद सबको पता होगा। हम लोग गणित पढ़ते हैं, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पढ़ते हैं। खुलासा पर लिखा मैंने और सामने मैंने सिर्फ हेमा जोड़ दिया, हे मा कर दो या हेमा कर दो, ये हमने जोड़ा है सिर्फ। आपको याद कराने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ये मैंने याद कराने का बहुत अच्छा तरीका मैंने निकाला है इसे। आप देखिए, इसको हमने ये सिर्फ एक को छोड़ के पांच, क्योंकि क्ले आयरन स्टोन का उतना महत्व नहीं है, तो हमने ये जो पांच लिखा है, ये वही पांच है। वहां से हेमेटाइट, मा से मैग्नेटाइट, र से हेमोलाइट, साइराइट, पायराइट, ये पांच प्रकार के हैं। तो आशा करता हूं कि आपने नाम याद कर लिया होगा। जी बिल्कुल। अब आपको इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, वो भी आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन इसी टेबल में या इसी कॉलम में मैं आपको इसमें कितना परसेंट आयरन ओर से लोहा प्राप्त होता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको कि मैं परसेंटेज बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि कितने लोहे और धूल मिट्टी कण में से उसके अंदर से लोहा को प्राप्त किया गया, ऐसे हम समझते हैं। मान लीजिए
100 kg है, 100 kg चावल है, और उसमें मैंने बोला कि 60% जो है वो चावल शुद्ध है, और तो बचता कितना परसेंट है, 40%, 40% जो है वो अशुद्धिया है। क्या है? अशुद्धिया। तो ये अशुद्धिया जो है ये वो हमको छाटना है, इसके हिसाब से हम जितना परसेंट बोलेंगे कितना मिलता है वो सही परसेंट होगा, बाकी जो है वो अशुद्धि है, ऐसे करके हम उसको अलग करेंगे। अब आगे देखिए, हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है। क्या आपको समझ में आया? मतलब 30% जो है वो अशुद्धि है। मैग्नेटाइट में 72% सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। लेमोनाइट में 58%, साइराइट में 48%, साइटराइट में 48% और पाइराइट में 40%। लास्ट में जो क्ले आयरन बचता है उसमें भी आपको 40% ही मिलेगा, पर बहुत ही अशुद्धि होता है ये। अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसको याद कर सकते हैं, 70, 72, 58, 48, वेरी गुड। तो इसमें अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था सेल में उसमें आया था कि मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा कितना पाया जाता है, तो आपको कितना बताना है, 72। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है मैग्नेटाइट में। सबसे अशुद्ध कौन सा होता है, तो आप पायराइट लिख सकते हैं या क्लेस्ट्रॉन आयरन भी लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एनटीपीसी में भी आ चुका है, बीएचएल में भी आया था, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, आप लोग इसको पूरा सुनिए। देखिए, हेमेटाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, और भारत के मोस्टली सबसे ज्यादा झारखंड में। झारखंड तो एक बोल सकते हो आप बहुत ही अमीर राज्य है, जहां पर काफी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन है अमीर राज्य। वो कैसे समझेंगे हम, झारखंड में खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में, अपार संपदा है वहां पर उसका शोधन और दोहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ हद तक आपको लगेगा कि शायद कमी है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे खनिज संपदा है। हेमेटाइट इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये रेड ऑक्साइड एक होता है रेड, जिसको हम रेड हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड हेमेटाइट। और दूसरा जो होता है वो भूरा, जिसको ब्राउन बोलते हैं। आप ब्राउन भी लिख सकते हो या भूरा लिख सकते हो, भूरा लाल भी लिख सकते हो, लाल हेमेटाइट। तो इसके जो दो प्रकार है, एक लाल और एक भूरा, है ना, तो इसके दो प्रकार के हो गए। और इसमें जो रेड हेमेटाइट है उसमें 70% तक के लोहा पाया जाता है, जबकि भूरा वाला जो है उसमें 50 से 90% लोहा पाया जाता है। अब मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भूरा ऑक्साइड, भूरा हेमेटाइट में 90%, फिर वो सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि ये 50 से 90, जरूरी नहीं है कि 90 मिले, मैक्सिमम 90 मिल सकता है, पर वो 50 से कम ही रहता है मैक्सिमम टाइम में, इसीलिए दो प्रकार से हो गया है। तो ये कहाँ मिलता है? ये भारत के अधिकांश खनिज जो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में, कुछ मध्य प्रदेश के एक दो जगह में, और कर्नाटक मैसूर में ये इस प्रकार के लोहा अयस्क को पाया जाता है। दूसरा देखिए मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में आप जब देखेंगे तो ये सबसे अधिक बोलेंगे इसको, 72%। तो 72% जो लोहा पाया जाता है इसमें पाया जाता है, और ये भारत के सिर्फ चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में, और चेन्नई तमिलनाडु के सबसे बड़ा शहर चेन्नई है, राजधानी भी है, वहां पे पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त कनाडा में और अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। ये ब्लैक आयरन भी बोलते हैं इसको, तो ब्लैक आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रंग जो होता है वो काला होता है, या ब्लैक ओर भी बोलते हैं, ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक होने के कारण एक नुकसान भी है कि जब इस शोधन दोहन करते हैं, इसको खोदते हैं, तो जो हमारे जितने प्रकार के मशीनें होते हैं उसके सारे सारे टूल्स हो, या उसके बक्कल हो, या उसके जो भी खोदने वाले टूल्स होते हैं, वो किसका बना होता है? मोस्टली किसी ना किसी प्रकार से वो आयरन उसमें रहता है, स्टील बने, आयरन बने, टंगस्टन बने, कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत मात्रा में चिपकते रहता है, इसलिए इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको खोदना या इसकी प्रोसेसिंग करना काफी कॉस्टली होता है और विलुप्त है, ज्यादा मिलता भी नहीं है। तीसरा नंबर पे है लेमोनाइट। लेमोनाइट में मैंने कितना बोला था आपको? 58। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोग कहीं पढ़े कि यहाँ 60% दिया हुआ, तो उसको तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 60% या 58, 60 या 58, इसमें आपको नहीं घबराना है, ये दोनों एक ही जैसी है, 2% का अंतर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे से खोदे जाने वाली चीज है, उसको एवरेज दिया जाता है, ना कि इसको कॉन्स्टेंट बता सकते कि हाँ इतना निकलना है ही है। तो लेमोनाइट को हाइड्रो हेमेटाइट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइड्रो हेमेटाइट। और इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, इसका रंग भूरा होता है। क्लियर है ना यहां तक? गुड। इसके बाद हम देखेंगे साइड्राइट। साइड्राइट में देखिए ये 48%, ठीक है, 48%। तो साइड्राइट को स्फैतिक आयरन और स्फैतिक आयरन के नाम से जाना जाता है, और इसमें 48% अयस्क होता है, अयस्क में लोहा होता है। क्या नाम है इसका? स्फैतिक आयरन। ठीक है साथियों, मैं सिर्फ आपको बोर्ड में देख के कुछ बताना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको एकदम याद जैसे कर लें। जैसे खाना बनाने वाले बताते ना कि पहले जीरा डाले, फिर सब्जी डाले, फिर हल्दी डाले, तो मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि आप लोग एकदम कंटिन्यूअस एक के बाद एक कैसे क्या होते हैं वो करें। नहीं तो मुझे, मैं सिर्फ बता देता ये 5 प्रकार के इतने प्रोसेस मिल रहे हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं इतना सारी चीज आपको लिख के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है पायराइट। तो पायराइट में 40%। तो पायराइट के बारे में आप क्या जानते हैं? यह एक आयरन का ऑक्साइड है, और ये जो होता है ना, आपने सल्फर नाम सुना है, सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं। तो गंधक कैसे कैसा होता है आपने देखा होगा, कॉपर सल्फेट, नीला तूता देखा होगा, ये मेडिकल में भी मिलता है और रसायन केमिकल वाले दुकान में मिलते हैं। ये अधिकांश जहां ज्वालामुखी होता है, विस्फोट होता है, वहां से ये निकलता है, और एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है ये, और इसको इसको निकालने के बाद फिर जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों, तो सिर्फ गंधक ही नहीं निकलता, उसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है। तो जब उसमें हम इसके प्रोसेस के द्वारा जब गंधक को हम अलग कर देते हैं, तो उसमें से जो बचा हुआ ऑक्साइड होता है या अयस्क होता है, तो उसमें 40% तक के लोहा बच जाता है, तो वो है पायराइट। ठीक है, पायराइट। तो पायराइट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका तो यूज हम बहुत ही कम करते हैं, और इसको उसको निकालने का प्रोसेस भी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसको आप अलग करोगे, पहले गंधक निकलेगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप फिर उसको सारे अशुद्धियों को जलाओगे, फिर इसमें से जो बचेगा उसमें से आप फिर आयरन निकालोगे, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, इसीलिए ये इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है कि वो कौन सा अयस्क है जिसे सल्फर में से अलग किया जाता है या सल्फर में से निकाला जाता है, तो आपको ये लगाना है। नेक्स्ट है क्ले आयरन स्टोन। क्ले आयरन स्टोन के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि ये बहुत ही अशुद्ध लोहा है, ये बहुत अशुद्ध लोहा होता है, और ये आपको
रानीगंज, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और झारिया ये कहाँ है? तो आपने धनबाद नाम सुना होगा, बताइए कहाँ पे है? झारखंड, झारखंड कहाँ पे है? झारखंड में। तो इस तरह से हमने छह प्रकार के आयरन ओर को देखा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, मुझे बताएं, या ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस नंबर से आप व्हाट्सएप भी करके और हमें समस्या बता सकते हो कि सर ये समस्या आ रही है। साथियों, नेक्स्ट क्लास हम इसी सेशन में लेंगे, क्योंकि हम इसको अलग अलग करेंगे, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा, फिर आप जब यूट्यूब में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए हमने सबसे पहले आयरन ओर को अलग कर दिया, उसके बाद हम एक छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मेटल को सेपरेशन कैसे करते हैं, सेपरेशन कैसे करते हैं, पृथकीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आप लोग इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपका चैनल आगे बढ़ता है, आपकी गुरुजी का मनोबल भी बढ़ता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास अभी इसी के साथ लेंगे, जो कि आपको इसी लिंक पर भेजा जाएगा। थैंक यू।